हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवी ब्यूटी ब्लॉगर। आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू। ये शैम्पू के बारे में मैं आज आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगी और इसका रिव्यू करूँगी। शैम्पू क्लेम करता है कि आपके बालों की जो 5 प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ये फाइट करता है। सो, जैसे कि आपके बालों का टूटना उसे दूर करता है, बालों की रफनेस को दूर करता है, बालों की डलनेस को दूर करता है, और जो स्प्लिट एंड यानी कि दो मुँह बाल होते हैं उनकी प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। सो ओवरऑल ये आपके बालों की 5 प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है जो कि आपको इस शैम्पू में मिल जाता है। अब अगर इसके बात करूँ मैं इसके नेट वेट की, तो इसका नेट वेट है 192.5 ml। ये 135 रुपये यानी कि 135 रुपीज़ का परचेस किया था मैंने। आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी शैम्पू यूज़ करें लेकिन उसे बालों में कैसे अप्लाई करना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो, आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि जब भी कोई शैम्पू बालों में लगा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, जिससे कि बाल हमारे डैमेज नहीं होंगे, मजबूत होंगे और लंबे बाल हो जाते हैं। सो, चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं। शैम्पू यहाँ पे मैं लॉरियल यूज़ करती हूँ, लॉरियल का शैम्पू, तो मैं ये लूँगी और एक मग में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें शैम्पू को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से जब तक इसमें झाग नहीं आ जाता। इसको अच्छे से गीला कर लीजिए और शैम्पू जो हमने पानी में मिक्स किया था उसे थोड़ा थोड़ा लेकर अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से सारे बालों पर अप्लाई कर लेंगे क्योंकि यही तरीका सही होता है। अगर आप डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे शैम्पू अप्लाई करते हैं तो वो आपकी स्कैल्प को डैमेज कर देता है। इससे आपके बाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। सो, इसीलिए कभी भी डायरेक्ट शैम्पू को अपने बालों पर अप्लाई ना करें। और साथ ही साथ प्लीज़, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो, इसी तरह से पूरे बालों पे शैम्पू अप्लाई करने के बाद आपको हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज देना है। जैसे हम ऑयलिंग करते टाइम मसाज देते हैं उसी तरीके से सारा शैम्पू पहले अप्लाई करेंगे फिर मसाज करेंगे। अपने बालों में शैम्पू कर रहे हैं हमेशा नीचे की तरफ झुक के ही शैम्पू करें क्योंकि इससे हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बाल लंबे हो जाते हैं जल्दी, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। सो, 4 से 5 मिनट तक बालों को मैं बहुत ही जेंटली मसाज दूंगी और इसके बाद हम बाल को वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर के साथ। वॉश कर लूँगी मैं यहाँ पे, जितना भी शैम्पू है उसे रिमूव कर लूँगी लाइटली, और सारा शैम्पू रिमूव होने के बाद आप मेरा बालों का रिज़ल्ट देख पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कितने शाइनी हो गए हैं मेरे बाल शैम्पू के बाद और कितने सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं। तो ये शैम्पू अच्छा है आपके बालों के लिए। सो, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।